पीएम मोदी ने अपने संबोधन में साफ कर दिया है कि देश में लॉकडाउन 4 भी जारी रहेगा, हालांकि इसका स्वरूप अलग अलग राज्यों में अलग रहेगा। पीएम ने ये तो साफ कर दिया है कि जैसी जरूरत वैसा लॉकडाउन रहेगा। इससे एक बात तो तय है कि दिल्ली में फिलहाल कोई खास छूट नहीं मिलने जा रही, दिल्ली वालों के लिए कुछ बंदिशें जारी रहेंगी। इधर सीएम केजरीवाल ने भी जनता से कुछ सुझाव मांगे हैं कि आखिर 17 मई के बाद दिल्ली में लॉकडाउन का स्वरूप कैसा होगा, प्रतिबंधों में क्या कमी हो सकती है, क्या छूट मिल सकती है। जनता से मांगे सुझाव के लिए सीएम के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर बात कर दिल्ली का स्वरूप तैयार किया जा सकता है। इधर बता दें कि लॉकडाउन में दिल्ली के विकास के लिए सभी अहम परियोजनाओं को फिर से पंख लगेंगे। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। प्रगति मैदान के नवीनीकरण का कार्य भी जल्द शुरू होने के आसार हैं। देश दुनिया से इतर NBCC की दिल्ली में एक दर्जन से अधिक परियोजनाएं चल रही है। NBCC ने लक्ष्य रखा है कि लॉकडाउन के 1.5 माह की देरी को इस तरह समायोजित किया जाए कि कार्य पूरा करने की डेडलाइन भी मिस ना हो। हर साइट पर कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय अपनाना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत सभी मजदूर मास्क लगाएंगे, बीच बीच में सैनिटाइजर से हाथ धोते रहेंगे, शारीरिक दूरी का पालन करने के साथ साथ नियमित रूप से मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। मजदूरों के रहने खाने की व्यवस्था भी साइट के आसपास है। प्रतीक शर्मा के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।